नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट ओडीसी एवं ओडीसी संचालन के सामान्य नियम। ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, कोई भी कंसाइनमेंट वैगन पर लादने के बाद प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन के बीच पूरे रूट पर बाया या गेज परिवर्तन सहित किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम मूविंग स्टैंडर्ड डायमेंशन का उल्लंघन करता है तो ऐसे कंसाइनमेंट को ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट कहते हैं। जिस वैगन में यह कंसाइनमेंट लादा जाता है उसे ओडीसी वैगन कहते हैं। मुख्यालय से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना नीचे दिए गए डायमेंशन से अधिक माप वाले कंसाइनमेंट को बुक नहीं किया जाएगा। सामान्य व सहायक नियम में संबंधित मानक माप का माप उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है। साइड मध्य में ऊंचाई ब्रांड गेज 4115 मिलीमीटर, मीटर गेज 3430 मिलीमीटर, नैरो गेज 3200 मिलीमीटर। साइड से ऊंचाई 3505 मिलीमीटर, मीटर गेज 3200 मिलीमीटर, नैरो गेज 2895 मिलीमीटर। अधिकतम चौड़ाई 3050 मिलीमीटर, 8 पहिया 3200 मिलीमीटर, 4 पहिया, मीटर गेज 2590 मिलीमीटर, नैरो गेज 2286 मिलीमीटर। नोट, उपरोक्त दर्शाई गई ऊंचाई रेल लेवल से होगी जिससे लेसिंग व पैकिंग भी सम्मिलित है। ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट ओडीसी का वर्गीकरण, ए क्लास ओडीसी, बी क्लास ओडीसी, सी क्लास ओडीसी। ए क्लास ओडीसी के मानक एवं अन्य शर्तें, ग्रॉस क्लियरेंस 2286 मिलीमीटर व अधिक, नेट क्लियरेंस 1524 मिलीमीटर व अधिक लेकिन 2286 मिलीमीटर से कम, अनुमति देने का अधिकार मंडल रेल प्रबंधक, मुख्य परिचालन प्रबंधक। अधिकतम गति सेक्शनल स्पीड, संचालन समय दिन रात, साथ चलने वाले अतिरिक्त कर्मचारी कोई नहीं। बी क्लास ओडीसी के मानक एवं अन्य शर्तें, ग्रॉस क्लियरेंस 1524 मिलीमीटर व अधिक लेकिन 2286 मिलीमीटर से कम, नेट क्लियरेंस 1524 मिलीमीटर से कम लेकिन 762 मिलीमीटर से कम लेकिन 254 मिलीमीटर से कम नहीं, अनुमति देने का अधिकार मंडल रेल प्रबंधक, मुख्य परिचालन प्रबंधक। अधिकतम गति बीजी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, एमजी 25 किलोमीटर प्रति घंटे, एनजी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। संचालन समय दिन रात, साथ चलने वाले अतिरिक्त कर्मचारी सेक्शन इंजीनियर सी एंड डब्लू, सेक्शन इंजीनियर पी वे। सी क्लास ओडीसी के मानक एवं अन्य शर्तें,
ग्रॉस क्लियरेंस 1524 मिलीमीटर से कम लेकिन 1016 मिलीमीटर से कम नहीं। नेट क्लियरेंस 762 मिलीमीटर से कम लेकिन 254 मिलीमीटर से कम नहीं। अनुमति देने का अधिकार रेल संरक्षा आयुक्त। अधिकतम गति BG 25 किलोमीटर प्रति घंटा, MG 25 किलोमीटर प्रति घंटा, NG 25 किलोमीटर प्रति घंटा। संचालन समय केवल दिन में साथ चलने वाले अतिरिक्त कर्मचारी सेक्शन इंजीनियर C&W, सेक्शन इंजीनियर PV एवं परिवहन निरीक्षक। ODC वैगन का संचालन के सामान्य नियम। व्यापारी द्वारा ODC कंसाइनमेंट को बुक करवाने हेतु स्टेशन मास्टर के माध्यम से वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक को प्रार्थना पत्र देगा, जिसकी मुख्यालय के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक रूप से ली जाएगी। दो प्रतियों में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, जिसमें कंसाइनमेंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एवं वजन का ब्यौरा सहित स्केच, गाड़ी के संचलन के रूट का उल्लेख किया जाएगा। लोड के प्रारंभिक स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से उक्त गाड़ी के निर्धारित रूट एवं ODC कंसाइनमेंट के सही संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। उक्त गाड़ी के लिए निर्धारित गति, रात्रि संचालन एवं प्लेटफॉर्म प्रतिबंध के नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जाएगी। ODC कंसाइनमेंट की लोडिंग करते समय लेसिंग व पैकिंग सावधानी से की गई है, सुनिश्चित किया जाएगा ताकि रास्ते में कंसाइनमेंट की शिफ्टिंग नहीं हो। सेक्शन इंजीनियर कैरिन एवं बैगन द्वारा परीक्षण करते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान देगा। लोड अच्छी तरह से सुरक्षित है, वहन क्षमता के अनुसार लोड किया गया है, किसी एक्सल विशेष पर असंतुलित भार नहीं है, एक्सल लोड का उल्लंघन नहीं है आदि। सेक्शन इंजीनियर C&W कंसाइनमेंट के संबंधित विभिन्न डायमेंशन का मेजरमेंट स्टेशन मास्टर को देगा एवं फिट टू रन सर्टिफिकेट जारी करेगा। स्टेशन मास्टर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, मंडल परिचालन प्रबंधक व मुख्य परिचालन प्रबंधक कार्यालय को सूचित करेगा और मुख्य परिचालन प्रबंधक को लिखित में भी भेजेगा। परिचालन विभाग द्वारा संबंधित अन्य रेलवे के मुख्य परिचालन प्रबंधक को ODC लोडेड वाहन के पूर्ण डायमेंशन सहित उसके संचालन के लिए आवश्यक फाइनल स्वीकृति हेतु सूचना देने की व्यवस्था की जाएगी। नोट, प्रोविजनल स्वीकृति को फाइनल स्वीकृति ना माना जाए, अतः गाड़ी को फाइनल स्वीकृति मिलने के बाद ही चलाया जाए। स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर कंट्रोल को उक्त वैगनों के बारे में पूर्ण विवरण देगा, जैसे वैगन नंबर, टाइप, रेलवे भेजने वाले व गंतव्य स्टेशन का नाम व रूट जिस पर चलाना अपेक्षित है। इसके बाद कंट्रोल ऑफिस डिवीजन द्वारा ऐसे वैगन को कौन सी गाड़ी से व कब चलाया जाएगा, इसकी आवश्यक अनुमति देगा।
इस गाड़ी के लोको पायलट एवं गार्ड को निर्धारित गति प्रतिबंध की अनुपालना हेतु सतर्कता आदेश दिया जाएगा। इलेक्ट्रिफाइड सेक्शनों में इनके अतिरिक्त विशेष निर्देशों की अनुपालना की जानी चाहिए। ऐसी गाड़ी के साथ चलने वाले व्यक्तियों को डिब्बों की छत पर नहीं चढ़ना जब तक कि OHE को डेड या अर्थ ना कर दिया गया हो। ODC के संचालन के लिए कॉन्टैक्ट बायर से निर्धारित क्लियरेंस निम्न प्रकार है, जिसका उल्लंघन होने पर गति प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। यदि ग्रॉस क्लियरेंस 390 मिलीमीटर तक हो तो कोई गति प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है। यदि ग्रॉस क्लियरेंस 390 से 340 मिलीमीटर तक हो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा का गति प्रतिबंध लागू किया जाएगा। यदि ग्रॉस क्लियरेंस 340 मिलीमीटर से कम हो तो OHE की सप्लाई को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा का गति प्रतिबंध रहेगा। नोट एक, ऐसे सेक्शन जिसमें 100 मिलीमीटर से कम ग्रॉस क्लियरेंस है वहां ODC का संचालन मना है। ट्रैक्शन विभाग के प्रतिनिधि को आवश्यकता अनुसार ODC गाड़ी के साथ भेजा जाएगा। यदि ट्रैक के मध्य से ODC की चौड़ाई BG में 1981 मिलीमीटर तथा MG में 1910 मिलीमीटर से अधिक हो तो ऐसे ODC के साथ ट्रैक्शन विभाग के प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। प्रारंभिक स्टेशन पर सक्षम प्राधिकारी से अंतिम स्वीकृति मिलने पर ही चलाया जाए। व्हीकल समरी में लाल स्याही से प्रविष्टि की जाएगी। कंट्रोलर को सूचना एवं गाड़ी नंबर के पीछे X लिखा जाएगा। निकटवर्ती मंडल को ऐसी गाड़ी हेड ओवर करते समय इसके बारे में बताया जाना चाहिए एवं अधिकृत रूट पर ही चलाना चाहिए। ODC वैगन के लिए सावधानियां। ODC वैगन का सामान्यतः संटिंग मना है, लूज व रफ संटिंग की बिल्कुल मनाही है। ODC को जब स्टेशन पर काटा जाए तो उसके सुरक्षित प्लेसमेंट और वाहन को सुरक्षित रखने के लिए स्टेशन मास्टर और गार्ड जिम्मेदार होंगे। यदि ODC कंसाइनमेंट अधिक लंबा होने के कारण 3 वाहनों पर लोड किया गया हो तो उसका वजन बीज वाहन पर टिका हुआ होना चाहिए। BWL वैगन और इंजन के बीच कम से कम 6 वैगन जरूर होना चाहिए। अगर बैकिंग इंजन लगा हो तो BWL वैगन और बैकिंग इंजन के बीच भी कम से कम 6 वैगन जरूर होना चाहिए। BWL वैगन को स्पेशल गाड़ी से चलाया जाएगा एवं अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगा। बी क्लास एवं सी क्लास ODC ट्रेन को डबल लाइन सेक्शन में एक ब्लॉक सेक्शन में नहीं गुजरना चाहिए। नोट, आवश्यकता अनुसार साथ चलने वाले स्टाफ के लिए अतिरिक्त वाहन लगाया जा सकता है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।